सो वेलकम यू बैक ऑन करियर काउच विद शुभांकर। दोस्तों, ये रविवार रात जो 9 बजे हम ये कार्यक्रम लाते हैं, शिक्षा देते देते कि प्रॉपर शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आप लोगों में बदलाव कैसे आना चाहिए, आप अपने आप को शिक्षित कैसे समझ सकते हैं। अब वो वक्त आ चुका है जब शिक्षित लोग ये समझ लें कि हम लोग कहीं ना कहीं जाति, धर्म, यहाँ तक कि जो सेक्स बायस है उससे भी उठकर कहीं ना कहीं एक साथ काम कर सकते हैं, एक दूसरे के विषय में सोच सकते हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे स्टूडियो में दो ऐसे नौजवान मौजूद हैं, नौजवान कह रहा हूँ, पुरुष हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो महिलाओं के साथ होने वाली जो समस्याएं हैं उसको उन्होंने चिन्हित किया और उसके बारे में प्रॉपरली काम किया। जी हाँ, एक मूवी आती है, अचानक जो है देश में एक मुहिम छिड़ जाती है। आप देखते होंगे अक्षय कुमार स्क्रीन पर आते हैं कि मर्दानगी जो है वो फूं फूं करने में नहीं, वो सैनिटरी पैड देने में है। जी हाँ, इससे जो आपके घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत सुरक्षित रहती हैं, उनका जो स्वास्थ्य होता है वो सुरक्षित रहता है। इसी के चलते दो नौजवान हमारे शहर से, यानी हमारे जो लखनऊ का जो शहर है, उसकी की तहजीब में पैदा हुए ये बंदे, आज उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, उन्होंने एक वेंडिंग मशीन पर ये लोग काम कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं, मैं बच्चे ही कहूँगा क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अब जाके जो है वो साथ ही में स्टार्टअप का एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा है देश में, और उसी का जो है इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए वेंडिंग मशीन निकाला, जिसके तहत जो सैनिटरी पैड्स हैं, जो सैनिटरी नैपकिन्स है, वो एक हाइजीनिक तौर पर उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, जानते हैं, जब हम अपनी पाई हुई शिक्षा को समाज के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, और बड़ी खुशी होती है। ऐसे कई स्टार्टअप्स आज हम लोग को कई चिट्ठियां मिलती हैं, करियर काउच इतने दिनों से चल रहा है, अब 2 साल होने को आ रहे हम लोग को, और एक के बाद एक जो हम न्यू एंटरप्रेन्योर्स को देख रहे हैं, वो नए नए जो प्रोडक्ट्स इजाद करके ला रहे हैं, जिसमें हम वाकई समाज में बहुत बड़ा बदलाव देख पा रहे हैं, खुशी होती है। कितनी अच्छी बात है, जहाँ पे कभी बात ये होती थी कि पुरुषों द्वारा महिलाओं को दबाए जाने वाला या अत्याचार की बातें सुनते थे, वहाँ पे जब हम ये सुनते हैं कि नहीं, आज हम एक दूसरे के बेहतरी के लिए भी सोच रहे हैं, खुशी होती है। और यही खुशी बांटने के लिए आज हमने इन दोनों नौजवानों को अपने स्टूडियो में बुलाया है। और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुचर्चित महिला, यानी कि शिमुल बासु रॉय, जो कि कई बार उन्होंने हमारा कुर्सी छीना है और वो इंटरव्यू लेती रही हैं, तो आज मैं फिर से उनको मौका दूंगा, क्योंकि आज जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है वो एक महिला से जुड़ी हुई है, वो महिला के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। तो चलते शिमुल के पास और मिलते हैं इन दोनों युवकों से और जानते हैं कि ये दोनों युवक किस तरीके से सैनिटरी वेंडिंग मशीन को लेकर देश में बदलाव करने निकल पड़े हैं। ओवर टू शिमुल, बाय बाय। थैंक यू सो मच भांगे जी फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज मुझे ये बोलते हुए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि आज जिनका मैं इंट्रोडक्शन अभी करने जा रही हूँ, वो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स, एनर्जेटिक जो दो बॉयज़ मेरे साथ हैं, वो महिलाओं के कुछ इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं का ये जो इशू है इसको रिकॉग्नाइज किया और किस तरीके से ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। ये जो 21st century में हम आ गए हैं, लेकिन आज भी जो सैनिटरी पैड को मेडिसिन शॉप में आज भी जो है एक न्यूज़पेपर या फिर एक पैकेट में लिपटा के हमें पकड़ाया जाता है। लेकिन आज हमारे साथ ऐसे भी बच्चे हैं जो इसको बहुत ही शान से अपने आप के साथ एक बिजनेस, इसको अपॉर्चुनिटी बनाया और देश भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो दो बच्चे हैं, मैं बात कर रही हूँ लखनऊ से ही है, ये स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत ही प्राउडली मैं आपके सामने अक्षय टंडन और रोहित टंडन में रोहन टंडन तो जी हाँ, मेरे साथ अक्षय टंडन और रोहन टंडन है आज प्राइम टीवी के स्टूडियो में और करियर काउच विद शुभांकर के शो में। वेलकम टू करियर काउच विद शुभांकर, अक्षय एंड रोहन, कैसे हैं आप लोग?
तो मुझे बहुत ही गर्वित महसूस हो रहा है आज कि आप लोगों ने जो है, आप लोग आई थिंक अभी हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा एंड उसी के साथ साथ जो है आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम पे जो है काम करने लग गए हो। कैसे अक्षय और रोहन, कैसे ये स्टार्ट कैसे हुआ आप लोगों का, कैसे दिमाग में भी आया? क्योंकि घर घर में तो ये जो पीरियड, ये जो महिलाओं की जो ये प्रॉब्लम है, इसको लेकर आजकल लोग बात भी नहीं करते, बट आप लोगों ने जो है बहुत ही शान से इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदला है। और किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, दुनिया भर में आप लोग काम कर रहे हो, तो हाउ डिड इट स्टार्टेड? सो 2016-17 में अराउंड, जब मैं 12th क्लास से पास आउट किया था, तब मुझे एक्चुअली ये पीरियड्स और नैपकिन, सैनिटरी पैड्स, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चला था। उसके बाद मैंने पहले भी जैसे ये नोटिस किया था कि गर्ल्स को काफ़ी इशू होते थे, हम लोग का कोएड स्कूल था, एकदम से कोई भी गर्ल जा रही है, नैपकिन का इशू हो रहा है स्कूल में, टीचर्स के पास जाना पड़ता था, ये सारी चीज़ें मैंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू मुझे पता चली, फीमेल फ्रेंड्स के थ्रू। उसके बाद 2017 के अराउंड मैं जब ये नैपकिन्स के बारे में और वेंडिंग मशीन्स के बारे में मैं देख रहा था कि क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है, कि हम कैसे जो स्कूल में जो बच्चियां आ रही हैं ऐसा कर सकते हैं कि उनको नैपकिन्स किसी से मांगने ना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो कोई मांगना पहले नहीं चाहता था, अब जो कि बातें होने लगी हैं, आपस में गर्ल्स भी आराम से बात करती हैं, बॉयज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, तो अब फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन तब के टाइम पे कोई भी एक दूसरे से मांगने की भी नहीं सोचता था। तो मैंने तब ये सोचा था कि एक स्कूल में मशीन होनी चाहिए जिससे वेंडिंग मशीन हो, जिससे स्कूल से ही वो नैपकिन वॉशरूम से ही वो ले लें। सो धीरे धीरे और इस फील्ड में गए तो पता चला। मशीन के बारे में आप लोगों ने पहले भी कहीं पढ़ा है? हाँ, वेंडिंग मशीन के बारे में हम लोग ने उन्हीं दिनों जब ये सब रिसर्च हम लोग कर रहे थे, तो वेंडिंग मशीन के बारे में हमने सुना था कि सैनिटरी पैड्स की एक वेंडिंग मशीन बनाई जा रही है, कई जगह पे लग भी सकती है, तो उसको मैंने यहाँ नॉर्थ के एरिया में पहले ढूंढा कि यहाँ कहाँ बन सकती है मशीन्स, उसके बाद अप्रोच किया मैन्युफैक्चरर्स को। और इनफैक्ट जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, उसको फर्स्ट मशीन उनकी हमने परचेज़ की, और हमने एक्चुअली जो हमारे जो मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्होंने हमको फर्स्ट मशीन सेल की और हमने भी फर्स्ट मशीन अपनी उन्हीं से परचेज़ की। ओके, जैसे कि अक्षय आपने बताया और रोहन आपने बीबीए कंप्लीट किया है, और ऑलरेडी बीए कंप्लीट करने के बाद आप नौकरी करने लगे थे, जस्ट आपने स्टार्ट ही किया था। और अगर मैं अक्षय आपका पूछूं तो आपने जस्ट बीकॉम कंप्लीट किया, दोनों ने लखनऊ से ही कंप्लीट किया है पढ़ाई, बट आपको ये नहीं लगा या घर वालों ने आपने किसी आपको नहीं बोला है कि नहीं अगर जॉब करोगे और हायर स्टडीज़ करोगे तो और ज़्यादा ऊँचे लेवल पर आप लोग पहुँच सकते हो, तो ये बाधाएँ आपको आई नहीं? अगर घर वालों के हिसाब से देखें तो मैम, घर वालों ने कभी भी कोई प्रेशराइज़ नहीं किया, कभी कुछ नहीं बोला कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जब मैं जॉब करने गया तो अक्षय के पास आइडिया आया ये कि ये वेंडिंग मशीन्स काइंड ऑफ थिंग्स हैं, तो ये हमने यूपी में पहले सर्च किया कि यहाँ पर ये चीज़ें कितनी पॉपुलर हैं, कहाँ लगी हैं, कहाँ नहीं लगी हैं। क्योंकि जब मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था तो वहाँ पर ये थोड़ा सा उतना कॉमन तो नहीं था, बट यहाँ से थोड़ा सा बेटर था, तो वहाँ पे दिखती थी चीज़ें, थोड़ा सा ओपननेस थी। यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अभी भी टैबू है, इनफैक्ट अभी भी है, हम 4 साल से कर रहे हैं, अभी भी है टैबू थोड़ा सा, बट ये है कि अब ओपनली लोग बोलते हैं। इनफैक्ट हम भी लखनऊ में अच्छे स्कूल्स में थे, बट हमें भी इनफैक्ट 11-12 तक ही पता चला कि अच्छा ये चीज़ एक्चुअली होती क्या है, जब हमने अपने दोस्तों से, अपने जो लड़कियाँ दोस्तें थी, कभी इनफैक्ट टीचर्स हमको समझाते थे, तो वो भी हमें भी एक बहुत उस स्टेज पे पता चला कि जब आप 11-12 में आ गए, जब आप इतने मच्योर हो गए तब पता चला। तो जब लखनऊ शहर में रह के आपको इतनी लेट अगर पता चलता है, तो गांव में तो फिर जो हमने सोचा कि लोगों को पता ही नहीं, इनफैक्ट लड़के तो छोड़िए, लड़कों लड़कियों को भी बहुत आइडिया नहीं रहता कि ये पैड्स का यूज़ कैसे करना है, क्या करना है। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं वेंडिंग मशीन के। तो हमने ये स्कूल्स में जाके देखा, तो स्कूल्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, बच्चों को नैपकिन मांगने में प्रॉब्लम होती थी, बाय चांस उन्होंने अपने पीरियड्स में अगर उन्होंने नैपकिन कैरी नहीं किया तो मिलेगा कहाँ से। तो हम लोगों ने सोचा कि ये वेंडिंग मशीन्स जो है, ये हम स्कूल्स में और स्कूल्स, कॉलेजेस, इनफैक्ट हॉस्पिटल्स, और इनफैक्ट जहाँ भी गैदरिंग है थोड़ी भी लड़कियों की, वहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंडिंग मशीन। और एक और चीज़ है इंसिनरेटर। वेंडिंग मशीन्स होती है जो आप, जिससे आप नैपकिन जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, वेंड हो सकता है उससे, और इंसिनरेटर्स इसलिए होते हैं, जो यूज नैपकिन होता है उसको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा इशू हमको दिखा जब हम ये वेंडिंग मशीन शुरू कर रहे थे।
तब हमको एक इशू दिखा कि ये कि इसको डिस्पोज कैसे करना है, क्योंकि ये आप डस्टबिन में डाल दोगे तो बहुत स्मेल आता है, स्मेली होता है, गंदगी फैलती है। इनफैक्ट ये फ्लश भी, फ्लश डाउन कर देंगे, सीवर ब्लॉकेज का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसका सोल्यूशन कुछ हम ढूंढने लग गए, तब हम इंसिनरेटर पे आए। तो इंसिनरेटर में तो इसके आइडिया कहाँ से आप लोगों को मिला कि वेंडिंग मशीन के साथ तो आप लोग काम कर ही रहे थे, और जितना मुझे आप लोगों से पता चला कि आप लोग जो है खुद कहीं से, आप लोगों ने गवर्नमेंट सपोर्ट लिया नहीं है, फैमिली सपोर्ट से ही आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो भी है आप लोगों ने कलेक्ट किया, एंड देन आप लोग वेंडिंग मशीन जो है यूपी के फर्स्ट आप लोगों ने लखनऊ लेवल पर काम किया, आई थिंक बेसिक शिक्षा अभियान के, क्या हमें बताएंगे इसके बारे में किस तरीके से? एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसको BSA बोला जाता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट है, उसके अंडर जितने भी प्राथमिक, माध्यमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आते हैं सरकारी, वो सारे उसके अंडर आते हैं। तो उनके साथ हमने पिछले 3 से 4 साल से हम उनके यहाँ काम कर रहे हैं। कस्तूरबा विद्यालय जो छोटे छोटे कस्बों में ये विद्यालय होते हैं लड़कियों के लिए, एक एक विद्यालय में 100 से 200 लड़कियाँ होती हैं, वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन और इसकी मशीन्स का कोई भी, मतलब कोई भी यूज़ नहीं था। तो कोई यूज़ नहीं कर रहा था इस चीज़ को। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये पैड्स प्रोवाइड होते थे, होते थे लेकिन बहुत छुप छुपा के वो जाते थे, पूछते थे, मांगते थे। हाँ जी, तो उसमें फिर क्या हुआ कि पैड प्रोवाइड होते थे, पैड का इशू नहीं था, मतलब उनको पैड की कमी नहीं थी कि पैड कम आ रहे हैं, बट उनके लिए भी मेन प्रॉब्लम थी कि इसको इंसिनरेट कैसे करना है। ओके, मेन प्रॉब्लम आप लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि पैड तो मिलता था लेकिन किस तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करे, उसके बारे में आप लोगों ने सोचा कि किस तरीके से इसको इस प्रक्रिया के द्वारा जो है आप लोग, तो इसके बारे में आप लोग एडुकेट करते हो, जाके सेशंस लेते हो, लड़कियों को एडुकेट करते हो, क्योंकि अभी तक आई थिंक जितना हमें पता है लड़कियों को नहीं पता कि इसको जो है इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आई थिंक हम जो है गंदगी नहीं फैला सकते, हम अपने एनवायरनमेंट को हम सुरक्षित रख सकते हैं, राइट? तो उसके लिए कहाँ से आप लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है? हमने जब इंसिनरेटर्स के बारे में, पहली बार जब हम वेंडिंग मशीन्स पे थे, इंसिनरेटर पे हम तब आए जब हमें वेंडिंग मशीन्स के बारे में जब हम स्टडी कर रहे थे, तभी हमें साथ ही साथ इसी फील्ड के और चीज़ों के बारे में पता चला, तो साथ साथ हमें इंसिनरेटर के बारे में भी पता चला। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसिनरेटर कि हम ही यहाँ पे लाए हों या हमारे ही द्वारा लाया गया हो, ये पहले से थे लेकिन मार्केट में नहीं, मार्केट में नहीं थे। और वेंडिंग मशीन के साथ ही आप इसको इंस्टॉल करते हो हर जगह पे? ओके, तो अक्षय, जैसे कि आप लोगों ने हमें बताया कि आप लोग जो है इसको अक्वायर करते हैं बाहर से, तो कहाँ से ये वेंडिंग मशीन्स आप लोग सप्लायर कौन है इसके? हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं इस वेंडिंग मशीन्स और इंसिनरेटर के, वो फरीदाबाद में एक यूनिट है, इंडिया शाइन टेक्नोलॉजीज नाम से, तो वहाँ से हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग मशीन लेते हैं, मतलब वेंडिंग मशीन लेते हैं। तो इसका जो कॉस्ट कंट्रोल है, किस तरीके से जो है आप लोग हर जगह पे, इतने जो पैन इंडिया लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट अकाउंटेबिलिटी ये कैसे आप लोग मेंटेन करते हो, क्योंकि गवर्नमेंट से भी कोई फंडिंग आपने लिया नहीं है, तो क्या इतना प्रॉफिटेबल आप लोगों को हो रहा है? सबसे बड़ा सपोर्ट इस टाइम पे गवर्नमेंट का ही है। हमने डायरेक्ट कोई हमने वहाँ से बजट नहीं लिया है, कुछ हमने फंड्स नहीं लिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस समय वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, या बहुत ज़्यादा कर रही हैं। जैसे जितने भी आपके लखनऊ में आपने पिंक टॉयलेट्स देखे होंगे, जितने भी सुलभ शौचालय हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद फंड्स भेज रही है कि आप इस मशीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए। ओके, तो आपको वहाँ से फिर फंडिंग मिलती है, जहाँ पे आप इंस्टॉल करते हैं वहाँ से आप परचेज करते हैं। तो अक्षय और रोहन, जैसे कि मैं आप लोगों से यही अभी पूछना चाहती हूँ कि एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ आप लोग आगे निकल पड़े हैं, फैमिली से सपोर्ट मिला, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट अगर मैं पूछूं तो आपको फैमिली से ही मिला, क्योंकि अभी तो आप लोग प्रॉफिट ले रहे हैं लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग तो फैमिली से ही शुरू हुई है। तो किस तरीके से जो है, क्योंकि जैसे करियर काउच का जो टीम है, ये आपको भी पता है कि स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, और ऐसे बहुत बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी जो है इनोवेटिव आइडियाज़ है, लेकिन वो पेन एंड पेपर तक भी उसको नहीं ला पाते, फंडिंग तो बहुत दूर की बात है। तो किस तरीके से आपको लगता है कि हमें आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए कि कैसे प्लानिंग के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए? जब स्टार्ट किया था तो प्लानिंग मेरी ये थी कि पूरा एक ब्लूप्रिंट तो मेरे पास रेडी था, कैसे मुझे कहाँ से मशीन्स आएंगी, क्या कहाँ सेल करनी है, सब कुछ रेडी था। बाकी कुछ भी मेरे पास ये नहीं था कि एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास, कैसे मैं लोगों को बताऊंगा मुझे नहीं पता था। तो मैंने स्टार्ट बस ऐसे ही किया था कि मैं बस निकल गया था, स्कूल स्कूल में विजिट करता था लाइक अ सेल्समैन,
2018 में अप्रैल में मैं ऑलमोस्ट सारे स्कूल लखनऊ के अराउंड 200-300 स्कूल्स में विज़िट कर चुका हूँ। उस टाइम पे ही विज़िट कर लिए थे विद इन अ ईयर, और वहीं से हमें ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हुए, वहीं से लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे एक जगह गए, वहाँ पे प्रिंसिपल को जैसे आइडिया बहुत पसंद आया तो उन्होंने अपने नेटवर्क में बताया, करते करते हम लोग एटलीस्ट लखनऊ में हमने ऐसे ही अपना बेस एस्टैब्लिश किया। ओके, फिर लखनऊ से फिर आप लोग यूपी लेवल तक गए और आगे लेवल तक भी गए। ओके, अक्षय, रोहन, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो आपको क्या लग रहा है, जैसे यूपी से ही आप लोगों ने स्टार्ट किया, आप लोग लखनऊ के ही रहने वाले हैं, तो स्टार्टअप का एक माहौल जो ऑलरेडी बन चुका है, तो आपको क्या लग रहा है यूपी के बच्चों में जो है ये किस तरीके से आपको दिख रहा है? यूपी के बच्चों में, मतलब मैं स्टार्टअप की बात अगर करूँ तो आजकल जैसे यूपी ही, इनफैक्ट यूपी जो है इतना सपोर्ट कर रहा है स्टार्टअप को, इतने स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स होते हैं यहाँ पे, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फंडिंग्स होती हैं यहाँ पे, तो यूपी में ही अगर देखें तो स्टार्टअप को बहुत प्रमोट किया जा रहा है आज की डेट में। तो ऐसा नहीं है कि अभी, अब वो स्टेज नहीं है कि आप निकल गए हो, आपके पास आइडिया भी है पर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आज की डेट में सोल्यूशन भी है, स्टार्टअप इंडिया है, यूपी स्टार्टअप कॉन्क्लेव है, उसके तहत आप जाके अपना आइडियाज़ रख सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे अगर वो उसको अगर इन लोग ने आगे प्रोसीड किया तो आपको फंडिंग भी अच्छी मिल सकती है। तो स्टार्टअप में अगर मैं बोलूँगा तो आज की डेट में स्टार्टअप सबसे ज़्यादा बूमिंग काम है। एंटरप्रेन्योरशिप आज की डेट में इतनी ज़्यादा अच्छी बड़ी चीज़ हो गई है कि आपके लिए, आपको बस एक आइडिया, जैसे हमने एक आइडिया के साथ निकले थे, बाय गॉड्स ग्रेस हमें इतना कोई फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो हमारी प्लानिंग थी हम उस प्लान से चले, हम विजिट बाय विजिट, स्कूल बाय स्कूल जाते थे, हम वहाँ पे काम करना चाहते थे, ग्राउंड लेवल पे हमने काम ज़्यादा किया, तो बहुत वास्ट फंडिंग की ज़रूरत नहीं थी जो हमारे फैमिली ने हमको सपोर्ट किया। तो आप लोगों ने तो अपना प्लानिंग जो है अपने फैमिली वालों को बताया और उन लोगों ने अपने सपोर्ट किया, लेकिन अक्षय, रोहन, आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग ऑलरेडी एक जगह पे इतने साल से काम करके एक एस्टैब्लिश आप लोगों ने कर लिया, लेकिन आपको नहीं लगता है ऐसे जो बच्चे जो ऑलरेडी काम करना चाहते हैं, जिनके पास प्लानिंग है, आप लोग उन बच्चों को भी अपने साथ जोड़िए और इसको और ज़्यादा लार्ज स्केल में आप लोग और दुनिया तक पहुँचाएं? हम इसको जोड़ना भी चाहते हैं, जैसे जितने भी बच्चे हैं, कई हमारे पास जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में हम सेमिनार्स करते हैं, कई बच्चे आते हैं कि जैसे कॉलेजेस में होता है, बच्चे आते हैं कि आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, सब पूछते हैं, वो भी खुद कुछ करना चाहते हैं और कई तो इसी फील्ड में करना चाहते हैं। तो हमारा बिल्कुल सपोर्ट ये रहता है कि हम पूरी तरह से उनको ये सपोर्ट देते हैं कि आप मशीन्स, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वेंडिंग मशीन ही सेल करो, आप इसमें भी कुछ नया लाओ, लेकिन हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं कि आप वेंडिंग मशीन को समझो, इंसनरेटर का यूज़ क्या है पहले उसको समझो और उसके बाद आप स्टार्ट करो, उसके बाद आप प्रमोट करो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। अक्षय, रोहन, जैसे कि इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे थे और आप लोगों ने बताया हमें, बट व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट अबाउट योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट? ज़रूर आप लोगों ने अभी तक 2018 से काम कर रहे हैं, आज 2022 है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप लोगों ने फ्यूचर के बारे में भी सोचा है, क्योंकि एक जगह पर जब आप इंस्टॉल कर ले जाए फिर उसके बाद क्या, व्हाट्स योर नेक्स्ट, यू नो, आप लोग क्या देख रहे हो नेक्स्ट? देखिए, इसमें हम लोग ने अभी जो मार्केट है अभी ये ग्रो कर रही है और अराउंड 4-5 ईयर्स तक ये करेगी, उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट मेरे हिसाब से तब आना चाहिए, जब भी आएगा या उससे पहले भी। हमारी प्लानिंग ये है कि हम सिर्फ सैनिटरी पैड्स तक ही नहीं रहेंगे, जैसे हम अदर टैम्पॉन्स हो गए, मेंस्ट्रुअल कप्स हो गए, ये जितने भी पीरियड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग उसमें वेंडिंग मशीन्स उसमें लगाएंगे, क्योंकि जो सैनिटरी पैड्स हैं इससे वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, वेस्ट जो इसका सैनिटरी वेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसको भी हम चाह रहे हैं कि एलिमिनेट करें। इंसिनरेटर्स तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे जिससे एनवायरनमेंट में गंदगी ना हो ज़्यादा। तो आप लोग एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, देखा आप लोगों ने कि आज मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही सुरक्षित फील कर रही हूँ ये दोनों भाइयों के साथ बैठते हुए, क्योंकि हाँ एक ज़माना ऐसे था जहाँ हम लोगों ने, जैसे कि आप लोगों ने खुद इसको एक्नॉलेज किया, एक ज़माना ऐसे भी था कि जहाँ पे स्टूडेंट्स ही आपस में बात नहीं करती कि हो पीरियड आ गया अब क्या करें, तो घरों में तो चर्चा होता ही नहीं था, लेकिन आज के डेट में ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे युवक हमारे साथ हैं जो इसी हमारी जो ये प्रॉब्लम है, जो एक बेसिक एक आम ये प्रॉब्लम ही हम बोलेंगे लड़कियों की जो मेंस्ट्रुअल इशू है, इसको रिकॉग्नाइज किया और इसी के ऊपर काम किया और इसी को जो है अपने बिजनेस आइडिया में इन लोगों ने बदला है। तो आई थिंक हम जो है अब
आगे का जो हमारा जो दुनिया है ये बहुत ही उज्जवल होने वाला है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता देते हैं, ऐसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम और एपिसोड्स लाएंगे। और जैसे कि हम आपसे बातचीत करते हैं और हमें पता चलता है कि आप जैसे बहुत ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, करियर काउच में शुभांकर की यही मोटिव है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए जाए और आपको एडुकेट करते जाए। आज के दिन की जो गर्ल्स है वो सुरक्षित है और बहुत ही उज्जवल है। तो जी हाँ, इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं। कुछ न्यू और इनोवेटिव एपिसोड्स के साथ हम अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए हर संडे रात के 9 बजे ओनली ऑन प्राइम टीवी करियर काउच विद शुभांकर। थैंक यू सो मच रोहन अनक्षय, बाय बाय, थैंक यू।